यहाँ पे पता है पूरे टोटो इलाके में पूरा कबाड़ भरा हुआ था। यहाँ टोटो में आपको जगह जगह पे ऐसा बोर्ड देखने के लिए मिलेगा। टोटो के निवासी होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि टोटो पे मेन स्टैंड में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था गाइस, जो अभी यहाँ से उड़ा दिया गया। गाड़ी प्रशासन को डर, अगर यहाँ रुक गए गलती से और देख लिया पूरा कबाड़ा। भाई गाड़ी देख रहे, 50 गाड़ी है। हेलो जी, कैसे आप सभी एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ फिर से मेरे न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग में। सो गाइस, अभी हो रही सुबह, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड इनकी शुरुआत देखिए कैसे हो रही हमारी, बाकी अभी करते कुछ काम। सो हे गाइस, अभी थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ एंड अभी जाना है दुकान का सामान लाने के लिए, क्योंकि दुकान का सामान खत्म हो चुका है, हल्का फुल्का लाना है, बाकी यू नो अभी जाना है, मजा आएगा। बाकी गाइस, इधर है पैसा, कितना है ये नहीं बताऊंगा, बट ये है कि पैसा है और पैसा बोलता है। अभी इसको जाके देना है, फिर उसको सामान देगा महाजन, फिर लेके आना है, क्योंकि भाई बिना पैसे से कोई सामान देने वाला नहीं है। भाई देखो, पैसा ही पैसा गाइस, पैसा ही ऐसा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। भाई गाइस, अब चलते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, आज बोल रहे हैं कि टोटो में सीएम आने वाले हैं श्री हेमंत सोरेन। तो गाइस, उन्हीं के आने की खुशी में लोगों ने पूरा रास्ते को साफ सुफ किया, मतलब जितने भी रेन शेटर थे उसको भी साफ किया। एंड जो टोटो इलाका था गाइस, पूरी गंदगी से भरा हुआ था, उसको भी पूरा साफ कर दिया। बाकी अभी मैं जाऊँगा फिर आपको दिखाऊँगा किस तरह से साफ किया हुआ। बाकी चलो अभी चलते हैं ना, चलो। सो गाइस, मेरे सामने देखते हैं रेन शेल्टर है और इससे भी पूरा कलर कर दिया गाइस, क्योंकि प्रशासन को डर, अगर यहाँ रुक गए गलती से और देख लिया पूरा कबाड़ा रेन शेल्टर तो उनकी क्लास ले लेंगे, इसलिए इन्होंने कलर करा दिया है। टोटो में आपको जगह जगह पे ऐसा बोर्ड देखने के लिए मिलेगा आज। तो गाइस, देख सकते इधर भी बोर्ड लगा हुआ है हेमंत सोरेन का, हार्दिक आभार, उस साइड भी लगा हुआ है, मतलब काफ़ी सारे बोर्ड आज लगे हुए हैं टोटो में। तो गाइस, अभी मैं फिलहाल टोटो में हूँ मेन चौक में। यहाँ पे पता है पूरे टोटो इलाके में पूरा कबाड़ भरा हुआ था, यहाँ सब साइड साइड में देखे सब कबाड़ भरा हुआ था। और हेमंत सोरेन जी के आने की खुशी में भाई लोगों ने कम से कम देखो साफ कर दिया। और स्कूल जो देख रहे हो साइड में, ये भी पूरे मतलब बहुत गंदे दिख रहे थे, काफ़ी सालों से पेंट नहीं किया गया था, बट हेमंत सोरेन जी के आने की खुशी में इन्होंने पेंट भी कर दिया। यू नो करते हैं कि फटकाता लगा दे लोगों को या कुछ, यू नो इस डर से इन्होंने पूरा पेंट करा दिया। और बाकी यहाँ पे पूरा जो कूड़ा करकट था, मटेरियल पड़ा था, मतलब टोटो जो अतिक्रमण हुआ था उसमें जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के जो भी यहाँ पे ईंट उट जो भी टूट के यहाँ पे गिरे हुए थे, सबको हटा दिया गया है। देखिए अब काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। बाकी अभी तक तो यहाँ पे एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं पहुँचे हुए, बाकी देखते भी क्या होता है, कितने बजे आते हैं हेमंत सोरेन जी। गाइस, अगर आप कभी टोटो आए होंगे या फिर अगर टोटो के निवासी होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि टोटो पे मेन स्टैंड में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था गाइस, जो अभी यहाँ से उड़ा दिया गया, काट दिया गया है। जहाँ पे कुछ अंकल बैठे हुए वहीं पे पेड़ था, अभी उसे काट दिया गया है। भाई देखो, हेमंत सोरेन जी के आने की खुशी या डर क्या ही बोले, बट काम तो हो रहा है खतरनाक, क्योंकि बीच मेन रोड में पेड़ था गाइस और बहुत सारे एक्सीडेंट का खतरा यहाँ बना रहता था। एंड अब पेड़ हटा दिया गया है, अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी लग रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। सो गाइस, अभी मैं सामान लेके आया एंड बोला तो जा रहा है गाइस, अभी टोटो में था तो बोला रहे थे कि सबसे पहले जो है हेमंत सोरेन जी पहले घूम लाएंगे इंद्रा में, वो हेलीपैड पर उतरेंगे, उसके बाद वहीं पर थोड़ा सा रहेंगे और जो वहाँ पे फंक्शन होगा उसको अटेंड करेंगे, उसके बाद टोटो आएंगे, टोटो के बाद सीधे जो घाघरा फिर लोहरदगा निकल जाएंगे, मतलब वो विजिट करते करते वो जाएंगे। बाकी यू नो व्हाट गाइस, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड वेट करते कब तक आते हैं हेमंत सोरेन जी। सो हे गाइस, अभी शाम के 4 बज चुके हैं एंड अभी तक तो हेमंत सोरेन जी टोटो नहीं आए हैं। एंड गाइस, वैसे तो बोला जा रहा है कि यू नो गुमला पहुंच चुके हैं एंड गुमला में किसी कार्यक्रम में किसी प्रोग्राम में है और वहाँ से निकलेंगे, उसका टोटो आएंगे, फिर यहाँ से घाघरा लोहरदगा जाएंगे, बट अभी तक तो पहुँच ही नहीं है गाइस। देखो कब पहुँचते हैं, शाम के 4 बज चुके हैं। बाकी गाइस, अभी बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो अभी टोटो साइड गए, मतलब मॉर्निंग में आ गए थे, दिन में आ गए थे, और सभी सोल्जर अभी टोटो के साइड चले गए हैं, अभी यहीं से पार हुए गाइस। अभी भी इस साइड भी वो आगे जो पुल है वहाँ भी बैठे हुए हैं, इस घर से आगे, इस पुल से आगे भी बैठे हुए काफ़ी सोल्जर, और इस साइड भी काफ़ी सारे सोल्जर बैठे हुए हैं। बाकी कुछ इस तरह का व्यू है आज, अच्छा मौसम है गाइस एंड हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश है। एंड आपको एक बात बता दूँ कि टोटो में बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं हेमंत सोरेन जी को देखने के लिए, काफ़ी सारी जो जनसंख्या है वहाँ पे इकट्ठित हो गई है। अब देखिए कब आते हैं, उन लोगों में पता है उत्साह बहुत ज़्यादा मात्रा में है कि भाई आज हेमंत सोरेन जी से देखेंगे, उनसे मिलेंगे, हम अपनी बात जो है हेमंत सोरेन जी के सामने रखेंगे। बाकी देखिए कब तक आते हैं। Hey guys, you know what? You would not believe. अभी तक हेमंत सोरेन जी गुमला से टोटो नहीं पहुँचे और शाम के 6 बज गए,
भाई अभी तक तो मुझे जहाँ लगता है कि भाई अभी गुमला से टोटो टोटो से लोहरदगा यू नो सब कुछ करके अभी वो रांची पहुँच जाना चाहिए थे, बट अभी तो वो गुमला से टोटो नहीं पहुँचे। आई थिंक मुझे लगता है ज़्यादा कि किसी सीरियस टॉपिक पर अभी तो बात चल रहा होगा, तभी तक नहीं पहुँचे। बाकी वेट कर रहे हैं, वी आर स्टिल वेटिंग, देखो कब तक आते हैं। तो है गाइस अभी भी यू साइलेंट की आवाज़ सुनाई देती है हल्की हल्की टू टू करके। आई थिंक सीएमजी गुमला से अब टोटो पहुँचने वाले हैं, बाकी आपको सुनाई देगी देरी पता नहीं मुझे। बाकी मैं फिर आपको बाहर लेके दिखाता हूँ, चलिए बाहर चलते हैं। भाई गाड़ी देख रहे हैं, 50 गाड़ी है, देख रहे गाड़ी इतना सारा जा रहा है भैया, गाड़ी देख रहे वाला इसी में टोटो का माहौल देख लेते हैं पार हो, देख रहे कहाँ से जा रहा है। सो हे गाइस जस्ट अभी आपने देखा कि किस प्रकार से सीएम हेमंत सोरेन जी का काफिला एक के बाद एक यहाँ से पार हुआ। भाई जिस प्रकार टीवी में देखा था ठीक उसी प्रकार से पूरे खतरनाक स्टाइल से। बाकी गाइस आई डोंट थिंक सो कि उनका काफिला टोटो में रुका होगा, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है और उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए तो मुझे लगता रुका होगा। बाकी रुका या नहीं रुका तो कल पता चल ही जाएगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड कॉमेंट। फिर मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय।